नमस्कार दोस्तों, सपनों का मतलब इन हिंदी डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं सपने में शीशे में मोह देखना, यानी सपने में दर्पण में यानी आईने में मोह देखना। इस सपने का क्या मतलब होगा, यह सपना आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा और इस स्वप्न से आपका जीवन किस तरह से प्रभावित होगा, आज चलिए स्वप्न विज्ञान के अनुसार इस पहलू पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले बात कर लेते हैं ज़रा दर्पण की। दर्पण कई मायने में शुभ भी माना गया है, कई मायने में अशुभ भी माना गया है। ऐसे विद्वान हैं और इंटरप्रिटेशन देने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि अशुभ होता है, लेकिन दर्पण के बिना भला काम भी कहाँ चलता है। अपनी सूरत को संवारने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती ही है। और ऐसे में यदि कोई महिला या पुरुष स्वयं को या किसी और को दर्पण में अपना चेहरा देखते हुए यदि पाता है तो फिर उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में स्वयं का चेहरा दर्पण पर देखना एक बहुत ही अच्छा स्वप्न माना गया है। यहाँ पर किसी और का चेहरा भी आप उसको सपने में देखते हुए देख सकते हैं, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको आने वाले दिनों में स्त्री से प्रेम प्राप्त होगा, यानी कि आपके संपर्क में जो भी स्त्री होगी, यानी आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी, आपकी वाइफ, उससे आपको प्रेम की प्राप्ति होगी और आप उससे काफ़ी प्रसन्नता महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, एक बेहतर बात है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि सपने में शीशे में मोह देखना एक सकारात्मक स्वप्न है, एक अच्छा स्वप्न है, एक बेहतर स्वप्न है। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। यदि आप सपनों से संबंधित आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप हजारों तरह के सपनों का अर्थ आर्टिकल के तौर पर जान सकते हैं, उनका मतलब पढ़ सकते हैं, उनका अर्थ जान सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, तथा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।